दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में फाइनली ईशान ने अब सुन ली है अपने दिल की और पा लिया है अपने प्यार को और अपने साथ लेकर आ चुका है सभी को भोसले हाउस। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आगे आपको बताऊंगा, लेकिन आगे देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो यार आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में आगे आपको देखने को मिलने वाला है कि रीवा और ईशान की शादी को सिर्फ एक ही दिन बाकी होता है और भोसले हाउस में शादी की धूमधाम से तैयारियां चल रही होती है। लेकिन वही ईशान को हर वक्त जो है सभी के ही ख्याल आते हैं, लेकिन उसके बाद जो है उसे अक्का साहेब की दी हुई कसम भी याद आ जाती है और शादी से एक दिन पहले बेचारा ईशान जो है एक बहुत बड़ी कश्मकश में जूझ रहा होता है, जिसके बाद जो है देर रात वो सभी की दुकान पर चला जाता है और वहाँ जाकर बैठ जाता है और पूरी रात ईशान जो है सभी की दुकान के बाहर ही गुजार देता है। ईशान के घर वाले ईशान को ढूंढने लगते हैं और कहते हैं कि कल इसकी शादी है और ये कहाँ चला गया है। सुबह जब अपनी दुकान का गेट सभी खोलती है तो उसे ईशान नजर आता है, जिसके बाद ईशान जो है सभी को गले लगा लेता है और ईशान आज पहली बार जो है सभी से अपने प्यार का इजहार करने वाला होता है। ईशान सभी से कहता है कि सभी मुझे माफ कर देना कि मैंने ये बात बताने में तुम्हें बहुत देरी कर दी है, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। सभी कहती है कि सर कल आपकी शादी है और आज ये आप क्या बातें कर रहे हैं, शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ईशान कहता है कि नहीं सभी, आज तो तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी, सच्चाई तो ये है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मुझे पता है कि तुम आज भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। मैं पागल था जब तुमने मुझे अपने प्यार के बारे में बताया था तो मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ चुका है, प्लीज सभी मेरा साथ दो। सभी कहती है कि नहीं सर, आपकी जो है कल शादी रीवा मैम से है, अगर आपकी शादी रीवा मैम से नहीं हुई तो वो इस सदमे को झेल नहीं पाएंगी। ईशान कहता है कि जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी की भी कोई फिक्र नहीं है, बस तुम मेरा साथ दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ जिंदगी भर निभाऊंगा। यहाँ पर सभी जो है ईशान को लाख मना करती है, लेकिन आखिरकार सभी भी जो है ईशान से प्यार करती है, इसलिए वो उसे हाँ कर देती है। यहाँ पर सभी घर वाले जो है ईशान के लिए परेशान है कि कल उसकी शादी है और ईशान फोन भी नहीं उठा रहा है, लेकिन अब ईशान जो है भोसले निवास वालों पर बहुत बड़ा कहर बरसाने वाला है। ईशान जो है सभी का हाथ पकड़कर उसे भोसले हाउस ले आता है और ईशान कहता है कि अक्का साहब आज से जो है सभी मेरी पत्नी है और यही आपकी बहू है, मैं रीवा से शादी नहीं कर सकता और मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ सभी से करूंगा और वो भी पूरे रस्म और रिवाज के साथ। भोसले निवास वाले सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ईशान ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया, जहाँ पर अक्का साहब ईशान से कहती है कि ईशान तू पागल हो गया है क्या, कल तेरी शादी है और तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, तू इस लड़की को जहाँ से लेकर आया है इसे वहीं छोड़कर आ और मैंने तुझे कसम दी थी और तूने मेरी कसम भी तोड़ दी। ईशान कहता है कि अक्का साहब प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैंने आपकी कसम तोड़ी, लेकिन सच्चाई इसी में है कि मैं सभी के बिना नहीं रह सकता, सभी ही मेरा सच्चा प्यार है और अब मैं जीऊंगा भी इसी के साथ और मरूंगा भी इसी के साथ। अक्का साहब कहती है कि ईशान तूने हमारे साथ बहुत गलत किया है और हमसे भी ज्यादा तूने रीवा के साथ बहुत गलत किया है, तूने एक बार फिर उसको इतना बड़ा धोखा दे दिया, आज तूने ये हरकत कर हमारे मुंह पर जो है काली भूत दिया है, हम लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। लेकिन यहाँ पर शिखा, चिन्मय और अनवी ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि वो लोग यही चाहते थे और यहाँ पर चिन्मय जो है ईशान और सभी की साइड लेते हुए कहता है कि आई ईशान ने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया है, इसने गलत ही क्या किया है और जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है और उसी से तो शादी कर रहा है। और जब ईशान कह रहा है कि उसकी खुशी सभी के साथ रहने में है तो उसे उसी के साथ रहने दीजिए, क्यों उसे आप रीवा के साथ जबरदस्ती वाले रिश्ते में बांध रही हो। और दोस्तों, इस वक्त जो है राव साहब भी घर में मौजूद नहीं होते हैं और ये बात जब राव साहब और रीवा के घर वालों को पता लगेगी तो वो सभी और ईशान के साथ क्या करेंगे हमें कॉमेंट करके जरूर बताना और जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि टीवी सीरियल से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज यार हम आपके लिए सबसे पहले लाते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।